नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके इस प्रिय चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पौराणिक कथा के बारे में, चतुर्मास की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बतलाया कि राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया है। उस समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग भूमि में भगवान ने धरती और स्वर्ग को नाप डाला और राजा बलि से पूछा कि वह 3रा पग कहाँ रखें। तो इस पर राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सिर पर अपना पैर रख दीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त कराया और देवराज इंद्र का भय भी दूर कर दिया। वहीं राजा बलि की दान शीतलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांग लिया। भगवान विष्णु के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त कराने के लिए एक तरीका निकाला और एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांग लिया। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दे दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का 1 अंश पाताल लोक में निवास करता है। इन्हीं 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से हम जानते हैं और ऐसी मान्यता है कि इन 4 महीनों के लिए भगवान शंकर भगवान विष्णु के सारे कार्यों को देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो फिर से सृष्टि के संचालक का कार्यभार भगवान विष्णु ही देखते हैं। जब भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं, तब उस समय ब्रज की यात्रा बड़ी ही सुफलदायी होती है, बड़ी लाभकारी होती है। इस दौरान सभी तीर्थ ब्रज के समान हो जाते हैं और कृष्ण लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। चतुर्मास आषाढ़ के 5 दिन, श्रावण के 30 दिन और भाद्रपद के 30 दिन और अश्वनी मास के 30 दिन और साथ साथ में कार्तिक मास के 11 दिन मिलाकर के चंद्रमास के हिसाब से 106 और मास के हिसाब से 108 दिनों का चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास के समय जप तप दान विशेष तौर पर आपको करते रहना चाहिए। चतुर्मास में भगवान शंकर का और इसी चतुर्मास के बीच में श्रावण माह, हरियाली तीज और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। दर्शकों, ये थी चतुर्मास की जो पौराणिक स्टोरी है। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी।